इन फोकस न्यूज में आपका स्वागत है। नजर डालते हैं आज की खबरों पर। चुनाव आयोग ने राजनीतिक रैलियों और रोड शो पर पाबंदी 31 जनवरी तक बढ़ाई। डोर टू डोर पर दिए नए दिशा निर्देश। चुनाव आयोग ने जब 8 जनवरी को 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान किया था, तब उसने एक हफ्ते के लिए रैलियों, रोड शो और जनसभा पर पाबंदी लगाई थी। इसे बाद में 15 जनवरी को एक हफ्ते बढ़ाया गया था। हालांकि कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए अब इसे 31 जनवरी तक लागू कर दिया गया है। चुनाव आयोग ने राजनीतिक रैलियों और रोड शो पर पाबंदी 31 जनवरी 2022 तक बढ़ा दी है। चुनाव आयोग ने डोर टू डोर प्रचार अभियान पर नए दिशा निर्देश दिए हैं। अब डोर टू डोर कैंपेन में 5 की जगह 10 लोग शामिल हो सकेंगे। हालांकि चुनाव आयोग ने पहले चरण वाली सीटों पर 28 जनवरी के बाद से रैलियां करने की छूट दे दी है, जबकि दूसरे चरण में जिन विधानसभा सीटों पर चुनाव होना है वहां 1 फरवरी से रैलियों को लेकर भी ढील दे दी गई है। कोविड-19 के पालन के साथ सार्वजनिक स्थानों पर वीडियो वैन की भी इजाज़त दे दी गई है। यूपी इलेक्शन। गौतम बुद्ध नगर की 3 सीटों पर 18 उम्मीदवारों ने नामांकन पर्चा किया दाखिल। शुक्रवार को नोएडा से 11 उम्मीदवारों ने, दादरी से 3 और जेवर से 4 उम्मीदवारों ने पर्चा भरा। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के पहले चरण के लिए नामांकन के अंतिम दिन शुक्रवार को जनपद गौतम बुद्ध नगर की 3 सीटों पर 18 उम्मीदवारों ने पर्चा दाखिल किया। नोएडा, दादरी और जेवर विधानसभा क्षेत्र से कुल 52 उम्मीदवारों ने नामांकन भरा। सबसे अधिक 23 उम्मीदवारों ने नोएडा विधानसभा सीट से पर्चा भरा। दादरी में 16 और जेवर में 13 उम्मीदवारों ने नामांकन दाखिल किया। अगर किसी ने नाम वापस नहीं लिया तो नोएडा विधानसभा क्षेत्र में 2 ईवीएम का इस्तेमाल करना पड़ेगा। जिला प्रशासन से जारी विज्ञप्ति के अनुसार सबसे अधिक नामांकन पत्र दादरी में लिए गए, लेकिन जमा नोएडा में हुए। इस बार के चुनाव में नामांकन अधिक हुआ है। अब नामांकन वापसी के बाद प्रत्याशियों की संख्या तय हो सकेगी। रिपब्लिक डे परेड। इस बार 16 मार्चिंग दल, 17 सैन्य बैंड और कुल 25 झांकियां लेंगी हिस्सा। परेड में भारतीय सेना की 6 मार्चिंग टुकड़ी, राजपूत रेजिमेंट, असम रेजिमेंट, जम्मू कश्मीर लाइट इन्फेंट्री, सिख लाइट इन्फेंट्री आर्मी ऑर्डनेंस कॉपर्स रेजिडेंट और पैराशूट रेजिमेंट की होगी। भारतीय सेना ने शनिवार को एक बयान में कहा कि इस साल की गणतंत्र दिवस परेड में 16 मार्चिंग दल, 17 सैन्य बैंड और विभिन्न राज्य विभागों और सशस्त्र बलों की 25 झांकियां होंगी। इसमें कहा गया है कि गणतंत्र दिवस परेड 2022 में सेना का प्रतिनिधित्व घुड़सवार सेना की 1 घुड़सवार कॉलम, 14 मैकेनाइज्ड कॉलम, 6 मार्चिंग टुकड़ियां और अपने विमानन विंग के उन्नत हल्के हेलीकॉप्टरों द्वारा एक फ्लाई पास्ट द्वारा किया जाएगा। वेदर अपडेट। बारिश से दिल्ली NCR में फिर बदला मौसम का मिजाज। इन राज्यों में बर्फबारी से गलन बढ़ने के आसार। 23 से 26 जनवरी के दौरान उत्तरी राजस्थान और उत्तरी मध्य प्रदेश में घने कोहरे की संभावना है। 22 से 24 जनवरी के दौरान बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में बारिश के आसार हैं। दिल्ली NCR में शनिवार को एक बार फिर मौसम का मिजाज बदला। रात से शुरू हुई बारिश सुबह 8 बजे तक जारी रही। इस दौरान 14.7 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा बह रही थी। मौसम विज्ञान विभाग IMD ने बताया कि अगले 24 घंटों के दौरान जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में बारिश और बर्फबारी की संभावना है। पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली से उत्तर प्रदेश में आज और 23 जनवरी को बारिश का अनुमान है।